पंजाब में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं को मेरे बराबर जलसा करने की इजाजत दी गई तो ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिसे लेकर अब बीजेपी ने भी निशाना साधा है और कहा है कि ये दंगे भड़काने की साजिश है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस को मलेरकोटला में हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। वहां की कांग्रेस उम्मीदवार के पति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हिंदुओं को उनके करीब जलसा करने की इजाजत दी तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं उनका ये विवादित वीडियो। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में अगर फितरों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रियल फ्लेवर न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर जिस तरीके की भाषा इस वीडियो में सुनाई पड़ रही है वो अपने आप में अति संवेदनशील है। कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी ने क्या अपना चाल चरित्र और चेहरा बदल लिया है? आप सुन सकते हैं कि इसके बाद मोहम्मद मुस्तफा ने अपने वीडियो में आगे बोलते हुए ये भी कहा कि उन्हें मुस्लिम, सिख, दलित और अच्छे हिंदुओं की वोट चाहिए। यहाँ भी उन्होंने हिंदुओं को अच्छे और बुरे में बांटने का प्रयास किया। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने मोहम्मद मुस्तफा जी से बात करने की कोशिश की। जब मोहम्मद मुस्तफा जी से हमने बात की तो इस मुद्दे पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार इस वीडियो में विवादित है क्या, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि झाड़ू उठाऊंगा और मारूंगा। हेलो, हूँ बोलो। मुस्तफा साहब जय हिंद। जय हिंद। दुर्गेश गाजरी बोल रहा हूँ जी, जर्नलिस्ट रियल फ्लेवर न्यूज चंडीगढ़ से। जी बोलिए। अच्छा मुस्तफा साहब, एक आपका ना विवादित वीडियो है ना, वो वायरल हो रहा है, उसमें विवादित तो आप कह रहे हो, मैं तो विवादित नहीं कहता। बोले क्या प्रॉब्लम है आपको किसी को उससे? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जनता को प्रॉब्लम है। कौन सी जनता, मुझे बताओ किस लफ्ज पे प्रॉब्लम है? सर वो कह रहे हैं कि एक पूर्व डीजीपी अगर ऐसी बातें करता है कि ऐसे कैसी कैसी तो बातें ऐसे कैसी बातें पैदा कर दूंगा कि प्रशासन से संभाले नहीं। सुन लीजिए जरा प्लीज। जी दुर्गेश सुन लीजिए। जी पहली लाइन उसमें बोलता हूँ मैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, जी अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो मैं इनको किनको, ये 100% मुसलमानों का अफेयर था, मेरी तरफ भी मुसलमान ही थे, 50-100 लड़के खड़े थे, दूसरी तरफ भी मुसलमान थे, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया यार? तो हिंदू तो मैं यही पूछ रहा था कि ये वीडियो जो है डॉक्टेड है आपके कहने के अनुसार से। अरे उसमें तो हिंदू कहीं है ही नहीं यार, उसने कहा मैं इनको घरों में, मैं अभी भी कहता हूँ, पहले बात ये सुनिए, मैंने कहा अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को वार्निंग दी है कि नहीं दी है? जी दी है। क्यों वार्निंग दी है? इसका मतलब कोई बहुत सीरियस बात हुई है ना? जी जी। उसको लेके चला हूं ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो चूंकि मेरी जान पे वहां जानलेवा हमला किया गया, मैं भाग के गया वहां, कुछ मुसलमान लड़के ही कांग्रेस से जुड़े हुए म्यूजिक चला रहे थे वहां पे। जी उनका माइक ग्रैब करके मैंने ये वार्निंग दी है। जी जब मेरे पीछे झाड़ू वाले लगे। जी
अच्छा झाड़ू वाले कौन थे? वो भी 100% मुसलमान थे, 20-30-40 लोग बराबर में इकट्ठे हुए थे। अच्छा सर, एक आगे आप जब बोल रहे हैं ना उस वीडियो में, तो ये भी कह रहे हैं कि आपको सभी धर्मों के लोगों की वोट चाहिए। सभी धर्मों का मुझे साथ है, मुझे सिखों का, मुसलमानों का, अच्छे हिंदुओं का भी साथ है मुझे। सर ये हिंदू अच्छे बुरे कैसे हो गए? आपने कैसे उसमें जज किया अच्छे हिंदू? मैं बताता हूँ, अच्छे वो मैं बताता हूँ जी। राहुल गांधी को फॉलोवर हूँ मैं, वो कहता है एक हिंदू है एक हिंदुत्ववादी है, जो हिंदू है वो सारे अच्छे हैं जी, जो कहते हैं सब मिलजुल के रहो। सर अभी आपने मुसलमानों पे सवाल उठाया कि दूसरी तरफ आप पर मुसलमानों ने हमला किया। मुसलमान नहीं, मैं कह रहा हूँ झाड़ू वालों ने, जो इंसिडेंट में मुसलमान मान थे और दोनों तरफ मुसलमानों का ही अफेयर था। हाँ तो उसमें फिर अच्छे बुरे तो मुसलमानों में भी हो गए, जिन्होंने आप पर हमला किया वो अच्छे कैसे? हाँ उन्हीं को तो मैं कह रहा हूँ, उनको घर पे झाड़ू ले जाके मारूंगा मैं। नहीं बिल्कुल मारेंगे सर, मतलब कि आपने जब अपने वक्तव्य में ये तो कहते नहीं मेरे को अच्छे मुसलमानों की वोट चाहिए, जो लोग आप पे वो यहाँ देखे आके आप ना आ जाओ किस दिन, फिर देखना। मैं यही कहता हूँ, सुन लीजिए जी, मेरी हर स्पीच में इनवेरिएबली एक चीज होती है, मैं इस देश का सिपाही हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैंने देश की लड़ाई लड़ी है, इस देश ने मुझे मेडल्स दिए हैं। बिल्कुल, मैं गद्दारों के पास नहीं जाऊंगा, समझ गए इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल कोई भी हो गद्दार हो, बिल्कुल। पर अच्छे बुरे सर आप कौन क्या? देखो मेरे से बहस ना करो, जो मैंने कह दिया था कह दिया, जो मैंने कहना था कह दिया। अगर मेरे ऊपर हमला करेंगे मैं झाड़ू लेके उनका पीछा करूंगा। आपने ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी है कि अच्छे और हिंदू बुरे हिंदुओं में आपने फर्क? हाँ बताता हूँ मेरे पास मशीन है। कौन सी मशीन है सर, वही जानना है। वो ये मशीन है जो हरिद्वार में धर्म संसद करके कहते हैं मुसलमानों को मारना है, वो अच्छे हिंदू नहीं है। हाँ बिल्कुल, समझ गए मशीन, जिन्होंने आप पर ये मशीन है मेरे पास, अच्छे मुसलमान है ये। जो महात्मा गांधी को गोली मारते की बात करते वो अच्छे हिंदू नहीं है। सर आप पे हमला हो गया वो मुसलमानों ने किया, वो अच्छे हैं या नहीं है ये बता दीजिए। बिल्कुल, अगर अच्छे होते फिर मैं उनको झाड़ू से कैसे मारता? बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा एक सवाल और आ गया, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पंजाब पुलिस के मुखी रहे हैं, आपका कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया जो खुद झाड़ू उठा के इनको मारने चले गए? नो, बिल्कुल यकीन नहीं उठा, ये तो आदमी तहश में होके ऐसी बातें करता है। सर आप तहश में कैसे आ सकते हैं? आप तो एक ट्रेन मैं आ गया, जो मैंने कहना था कह दिया, आप लिख दो कि मैं तहश में आया हूँ। पुलिस अधिकारी आप कैसे आ सकते हैं? मैं कह रहा ना, आप लिख दो कि मैं तहश में आके मैंने ऐसे कहा। आप तहश में आ ही नहीं सकते, आपको तो हर मैं किसी रूल से बंधा हुआ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। नहीं आप इंसान तो हैं सर, आप चाहते हो मैं आपको ब्लॉक करूं कि मेरे से बहस नहीं करने देता मैं किसी सर, को मैंने आपने जवाब चाहिए जवाब ले लो। पत्रकारों में सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं पत्रकारों को मैं बहस की इजाजत नहीं देता, सिर्फ सवाल पूछ सकते हो। चलो ठीक है सर, मैंने मेरा सवाल पूछ सकते हो, बहस नहीं करने देता मैं कभी। सर मेरा आखिरी सवाल है आप, मैं इस देश का सिपाही हूँ, इसकी लड़ाई ये लड़ी लड़ता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है, हम आपको सलाम करते हैं इस जज्बे के लिए आपके। हाँ बताएं, मैं आपके से आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस मलेरकोटले के हालात हैं वहाँ फेयर इलेक्शन होगा? 1000% यहाँ हमेशा फेयर इलेक्शन हुआ, जब तक मैं बैठा यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। सर अभी आप पुलिस अधिकारी नहीं है ना, पहले आप पुलिस अधिकारी? मैं नहीं हूँ ना, लेकिन मैं रूल को मानने वाला आदमी हूँ, कानून के हिसाब से चलता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर रियल फ्लेवर से जुड़ने के लिए। ओके। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया एलमी ने भी इस वीडियो को जारी किया है और उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद मुस्तफा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दर्ज करवाई है। भारतीय जनता पार्टी के सचिव अमन थापर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मलेरकोटला में सदा तुष्टिकरण की राजनीति की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मलेरकोटला से अमन थापर जी। अमन थापर जी, क्या घटना है जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर जो ये कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा ही आपस में कोमों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। मलेरकोटला में ये 2002 से यहाँ रजिया सुल्ताना जी विधायिका है, 2012 में ये हार गई थी,
कांग्रेस इनको टिकट देती है, तब से लेके आज तक इन्होंने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया है, हिंदुओं को दबा के यहाँ पर मजबूर किया है। और यहाँ से हिंदू लोग हैं जो वो मलेरकोटला छोड़ छोड़ के इनके कारण मलेरकोटला से प्लान कर रहे हैं, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई पटियाला जा रहा है, कोई धूरी जा रहा है, हाँ लोग गांव में जाने दो। पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बताइए। सर जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये मलेरकोटला में दोनों पार्टियों ने एक जलसा रखा हुआ था, जबकि दोनों पार्टियों के पास कोई परमिशन नहीं थी, और इनकी आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई इनकी झाड़ू और कांग्रेस की आपस में थी। इन्होंने हिंदुओं को, कांग्रेस वालों ने, मोहम्मद मुस्तफा ने हिंदुओं को बीच में इन्वॉल्व कर लिया। इन्होंने कह दिया कि अगर यहाँ हिंदुओं को मेरे जलसे के बराबर परमिशन दी गई तो मैं हालात यहाँ के खराब कर दूंगा मलेरकोटला के। सर तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई शिकायत भी की है? देखिए, मैं सेक्रेटरी हूँ भाजपा का, हमारे जिला प्रधान जी की ओर से शिकायत चली गई है, और हमारी पंजाब की यूनिट है जो, उन्होंने भी चोन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने आज एप्लीकेशन दी है, और इनकी हमारी डिमांड है इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जमेलू रहमान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो मलेरकोटला का आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं। रहमान साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दुर्गेश गाजरी बोल रहा हूँ जी। सर एक ना मोहम्मद मुस्तफा जी का वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है जी। तो जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वो कह रहे हैं कि अगर जलसा हुआ जी तो शहर के माहौल खराब हो जाएगा, और अगर आम आदमी पार्टी वालों ने आगे से ऐसी हिमाकत की तो उन्हें घर में घुस के मारेंगे। हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट को मारेंगे बोले हैं वो, तो इसमें कितनी बर्तनों को सच्चाई भी है? मारेंगे। ये पूरी सच्चाई है जी, हमारा मतलब अभी प्रोग्राम था वहां पे सरहंदी गेट की पहले बात हो से। रही है? हाँ वहीं पे तो हमारा प्रोग्राम पहले से तय था, जी हमारी तैयारियां सुबह से चल रही थी, जी तो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए ये मुस्तफा साहब दोपहर के बाद इन्होंने अपना प्रोग्राम भी वहां रख लिया जी, कि भी आज रात को हमारा भी वहीं पे प्रोग्राम होगा। तो DSP मलेरकोटला और मैडम रजिया सुल्ताना का जो PA है वो दोनों आकर मतलब बाकायदा वहां पे स्टेज बनवा के गए। आपके पास परमिशन थी वहां रैली करने की? परमिशन उस वक्त अजीम साहब किसी को दे नहीं रहे थे, कल शुरू की है उन्होंने, तो जी पहले तो कह देते हैं कि अभी परमिशन जो नॉमिनेशन के बाद देंगे जी। तो ना आपके पास इंडोर परमिशन थी ना उनके पास परमिशन? हाँ इंडोर इंडोर प्रोग्राम थे ये जी, तो आउटडोर तो थे नहीं, ये चार दीवारी के अंदर। तो जो उन्होंने हिंदुओं को लेकर बात की है कि उन्होंने उन्होंने फिर जब मैं वहां पे आया तो मेरे साथ में तकरीबन 200-250 जो नौजवान थे उन्होंने मुझे रिसीव किया, रिसीव करके ले जाके मुझे वहां पंडाल में जाके उन्होंने मुझे बिठाया। और जब इससे पहले जब ये मुस्तफा साहब आए थे तो ये अकेले ही गाड़ी से उतरे और चल अपने मतलब रिसीव नहीं किया जी। तो ये बुखलाहट में आ गए कि भाई सारे शहर का हिंदू मुस्लिम ईसाई दलित पिछड़ी श्रेणी के सभी लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो गया है, जिससे ये परेशान हो गए हैं। और परेशान होकर इन्होंने फिर बौखलाहट में आकर ये बयान दिया। क्या बयान दिया इन्होंने? बयान ये दिया कि हम अगर आइंदा आम आदमी पार्टी का यहाँ जलसा करने दिया प्रशासन ने तो हम प्रशासन को वार्निंग देते हैं कि हम प्रशासन को वार्निंग देते हैं कि हम शहर का माहौल ऐसा खराब कर देंगे कि इनकी कंट्रोल से बाहर कर देंगे। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हम मतलब जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है इसके घर में घुस के हम इसको उसको मारेंगे और झाड़ू के साथ झाड़ू के वर्करों को भी मारेंगे घरों में घुस घुस कर। तो हिंदुओं की बात कहाँ से आ गई बीच में? नहीं वो तो ऐसा था कि इन्होंने इससे पहले एक जलसा किया था सरहंदी गेट मेन रोड पे जी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जब तक मुस्तफा जिंदा है जिंदा रहेगा जी उस वक्त तक तमाम पोस्टों पर मुसलमानों को लगाया जाएगा, चाहे वो म्यूनिसपलिटी का प्रधान हो चाहे वो नगर इसका
मार्केट कमेटी का हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का हो या कोई भी और ओहदे हों। तो मैं मान के चलता हूँ कि 9000 वोट में माइनस करके, पहले ही माइनस करके चलता हूँ, क्योंकि हिंदुओं के 9200 वोट है यहाँ पे जी। तो कि उसको वो मैं पहले ही माइनस करके चलता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है जी। तो इस तरह से ये मालेरकोटला के जो आपसी भाईचारा है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दलित भाइयों का, उसको ये तोड़ना चाहते हैं, शहर के अमन और शांति। तो आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप भी बोल रहे हैं कि तुहानू बंदे का पुत बना देंगे। हाँ, जो जब आदमी ऐसी बातें करेगा तो उसको फिर कोई ना कोई तो ना आप शिष्टाचार के मालेरकोटला के जो राजनेता है वो शिष्टाचार भूल गए हैं। नहीं, वो ऐसा है, हम मतलब अभी हम नहीं चाहते कि कोई बद अखलाकी वाली बात हो। हम चाहते हैं कि अमन और शांति से, आपसी भाईचारे से, और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन हो, और इसमें किसी किस्म की ऐसी मतलब भी बात ना हो जिससे शहर के लोगों को या शहर को या इलाके को कोई किसी किस्म की परेशानी का शिकार होना पड़े। जमीलुर रहमान जी, जो कांग्रेस वाले हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने वीडियो में छेड़छाड़ की, एडिट करके ये वीडियो डाला है। नहीं, हमने तो वीडियो नहीं कोई डाली, मेरे नाम से कोई डाली दिखा दी। आपके नाम से नहीं, जो मार्केट में जो वायरल कराई है वीडियो, ये आम आदमी पार्टी का। ये इनकी शरारत, ये भी इसमें भी इनकी शरारत है। तो अब जो हालात यहाँ बन रहे हैं उन्हें अति संवेदनशील माना जा रहा है। अब ये मालेरकोटला की जनता ही तय करे कि क्या मालेरकोटला में निष्पक्ष चुनाव होंगे या नहीं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।